गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी मॉम एंड डॉटर। मैं हूँ दिव्या और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है, सुबह हो चुकी है और आज मैं बहुत ही सुबह उठ गई क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा और आज से ही जो है गणपति पूजा भी स्टार्ट है। आज बहुत कुछ है गाइज। तो आज है चौठ चंद जो कि हमारे तरफ होता है, चांद को देखना रात में, और बहुत कुछ होता है आज के दिन, पूजा होता है और बहुत कुछ बनता है पकवान। तो आज चौरचंद भी है, आज तीज भी है और आज गणपति जी भी आ रहे हैं, और इसके अलावा आज जो है विश्वकर्मा पूजा भी है जिसमें कि गाड़ियों की पूजा की जाती है, मशीनों की पूजा की जाती है। तो आज वो भी है, तो हमारा जितना भी गाड़ी है उसका आज हम लोग पूजा करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से उठ के मैं जो है घर का सारा साफ सफाई कर लेती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ ह्यू के लिए, और जो भी हैं सभी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी फटाफट से पूजा करना है। उसके बाद जो है हमारे सोसाइटी में भी गणपति जी आ रहे हैं तो वहाँ पे भी जाना है, तो इसीलिए सुबह तो आज उठना बनता था, इसीलिए सारा काम जो है ऑलमोस्ट मैंने निपटा दिया है आधा, और आधा काम बाकी है उसको अब निपटाऊंगी। उसके बाद जाके मैं नहाऊंगी, जल्दी जल्दी से जो घर में गणपति जी हैं उनका पूजा करूंगी क्योंकि मैं गणपति जी नहीं बैठाती हूँ, तो उनका पूजा करूंगी। उसके बाद जो है गाड़ियों का भी साफ सफाई चल रहा है, धुल रहा है, तो वो जब धुल जाएगा उसके बाद जो है वहां पे पूजा होगी गाड़ियों की, और फिर हम लोग जाएंगे सोसाइटी 11:30, वहां पे पूजा है। तो बस आज का यही सब रूटीन है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है अपना प्लांट दिखा रही हूँ जो कि मैं कल लेके आई थी आठी, तो ये देखो आप, यही मैं लेके आई थी और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। कैमरा में उतना मतलब लुक नहीं आ रहा है बट ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, और एक मैंने यहाँ पे लगाया है। तो मुझे प्लांट बहुत पसंद है लेकिन जब वो मरने लगते हैं ना तो मुझे बहुत दुख होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट लगा दिया है। और एक और जो मैं लेके आई थी, तीन ली थी मैंने, और एक ये रहा, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं सोची थी कि बालकनी में डालूंगी लेकिन फिर मुझे इतना अच्छा लगा ये कि मैंने अपने रूम में ही इसको रख लिया। तो मंदिर की साफ सफाई स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से मंदिर की साफ सफाई करते हैं और साथ के साथ में ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ह्यू मैडम और सभी के लिए जो है हलवा मैं बना रही हूँ, और यहाँ मेरा जो है घी बन रहा है तो मैं घी जो है खुद ही बनाती हूँ, तो इस बार बहुत कम बनाएगी, मैंने जल्दी बना लिया इसीलिए। तो बस ये सब करने के बाद अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, उसके बाद घर में पूजा करूंगी। तो सबसे पहले अभी मैं फ्रूट्स को वॉश करूंगी, ये सारा फ्रूट्स जो है गणपति जी के लिए आया है, तो कुछ मैं घर में चढ़ाऊंगी, कुछ जो सोसाइटी में है वहाँ पे चढ़ाऊंगी। तो मुझे ये सब भी वॉश करना है, तो यही सब काम अभी बचा हुआ है, इसको जल्दी से निपटाते हैं। इसमें शायद स्वीट्स आया, हाँ स्वीट्स भी आ चुका है, तो ये सब धोना है। इसको धोने के बाद जो है पूजा करते हैं, नहाने के बाद ये नीचे जाएगा ना सारा सामान। हाँ ठीक है, चलो। चलिए हाँ चलो, एक सेकंड। गुड गर्ल, तैयार हो? कौन सा पूजा है? पूजा भी होगा, तीज का पूजा। तो मैं रेडी हो गई हूँ नहा के, और सबसे पहले अभी जा रही हूँ गाड़ी का पूजा करने के लिए, फिर वहाँ से आऊँगी तब ऊपर पूजा करूँगी क्योंकि ऊपर पूजा करने में टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा पहले जो है अपने गाड़ियों का पूजा कर लेती हूँ, और ह्यू भी अपने गाड़ी का पूजा करेगी, ठीक है ना? क्या सबका पूजा करोगी? स्कूटी, बाइक, स्कूटी, साइकिल। चलो चलो लेट हो रहे हैं, जल्दी लिफ्ट भी आ गया। और क्या है मेरा कार्ड? फिर से काउंट करो, फिर से काउंट करो। तो गुड, हर साल हम लोग विश्वकर्मा पूजा जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पे, और अभी जो है पूजा स्टार्ट हो चुका है विश्वकर्मा जी का, तो देख सकते हो आप यहाँ पे जो है मिस्टर झा स्वास्तिक बना रहे हैं, और अब जो है पूजा स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारी कार की पूजा हो रही है, उसके बाद जो है हमारी स्कूटी बाइक दोनों बाइक की पूजा होगी, और उसके बाद जो है ह्यू मैडम के सारे साइकिल और स्कूटी सब का पूजा होगा, कार का पूजा होगा। तो ये सारा एक लाइन से ह्यू मैडम का है, तो वो भी साथ के साथ जो
है अपने डैडा के पूजा करती रहती है, उसको बहुत अच्छा लगता है पूजा करना। हम लोग भी बचपन में ऐसे एक्साइटेड रहते थे अपने अपने साइकिल का पूजा करने के लिए, तो वैसे ही यू भी एक्साइटेड है। तो जल्दी से यहाँ पे पूजा डन करते हैं, उसके बाद घर जाके पूजा करेंगे अपने गणपति जी का, और उसके बाद जाना है सोसाइटी, वहाँ पे पूजा करेंगे। उसके बाद मेरी फ्रेंड है पूजा, उसके घर जाना है। तो अभी बैक टू बैक पूजा चलने वाला है, तो जल्दी से यहाँ पे डन करते हैं और चलते हैं ऊपर। आंटी कैसा लग रहा है सारा गाड़ी एक साथ? सुंदर लग रहा है ना? डिसू का गाड़ी देखे आप, उस पे आप बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। हाँ, यू देखो अपने कार को कितने सुंदर से सजाई है फ्लावर से। सबसे सुंदर ही यू का ही सारा गाड़ी लग रहा है। अच्छा एक एक नींबू, अच्छा दो दो है। नहीं आंटी वॉश करवाए हैं बाहर से। अब आरती होने वाला है यू देखो आरती हो रहा है। ठीक है तुम अपना खुद से करना। थैंक यू। डेरा जब पूजा कर लेंगे तब तुम कर लेना, ठीक है? थोड़ा सा उसके लिए गंगा जल रख देना, ठीक है? यू चलो ले लो। करो चलाओ।
विश्वकर्मा पूजा जो है बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और अब आ चुके हैं ऊपर अपने मंदिर का पूजा करने के लिए, अपने गणपति जी का पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से अरेंज करके रख दिया है और अब जो है पूजा स्टार्ट करते हैं और पूजा करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को भी लेके चलते हैं अपनी सोसाइटी के गणपति पूजा में, जहाँ की गणपति जी की पूजा हो रही है। हेलो एवरीवन, फाइनली मैंने साड़ी पहन लिया है और बहुत ही प्रीटी लग रहा है ये साड़ी, पिंक कलर। और जैसे कि आपको पता है कि आज है गणपति, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी, और जो लोग भी पूजा कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं भी जा रही हूँ अभी अपनी सोसाइटी के गणपति पूजा में, और यहाँ पर जो है हमारी सोसाइटी में 1 वीक गणपति जी हमारे साथ रहने वाले हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहले मैंने घर का पूजा ख़त्म किया है, अभी तुरंत ही मैंने अपने घर का पूजा ख़त्म किया है डन। और जैसे कि मैं घर में गणपति जी का पूजा करती हूँ, तो मैं उनको ही गणपति के रोज भी उनका ही पूजा करती हूँ, मैं अलग से मैं मूर्ति स्थापित नहीं करती हूँ। तो वो पूजा मेरा हो गया है डन। और अब जो है मेरा आज फास्ट है मंडे का, तो अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं, और जल्दी से वहाँ पे भी पूजा स्टार्ट हो चुका है सोसाइटी में, तो जा रही हूँ वहीं पर पूजा देखने के लिए। और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसे यहाँ पे हमारे सोसाइटी में पूजा होता है और डेकोरेशन कैसा हो रखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूं, तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी गणपति पूजा में चलोगे पूजा देखने? क्यों? बिंदिया का घर जाना है। ओके जाना है। ठीक है ठीक है, तो मैं जाऊंगी अभी। ठीक है ठीक, इधर से ले लेना आंटी, अंदर से स्केटिंग के पास होता है। पता नहीं, चलो अभी तो तुम हाथ ठीक करो अपना, तब स्केटिंग करना। देखो ये तुम्हारा हाथ का ये निकल रहा है, उसको आराम से बेटा, दर्द नहीं होता है। मम्मा मेरी फिक्र मत करो, अब ये ठीक हो गया है। ओके इधर तुम्हारा ड्रेस बहुत प्रीटी लग रही हो। ही और मैं जो हूँ तैयार होके निकल गई हूँ पूजा के लिए, और मिस्टर शाह ऑलरेडी वहीं पे हैं पूजा के पास ही, तो जल्दी से हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं क्या सब हो रहा है। वैसे पूजा स्टार्ट हो चुकी है, मेरी आंटी थी अभी काम कर रही थी, तो मैं थोड़ी सी रुक गई उनको समझाने के लिए कि क्या सब करना है, तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। बाकी अब निकलते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और मैंने अपना इयररिंग्स भी चेंज कर लिया, मुझे वो मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो अभी मैंने चेंज करके ये पहन लिया। नो नो उधर नहीं जाना, नीचे से जाएगा, नीचे से लगा, नीचे कुछ हाथ देने आपे कर दिया। पता नहीं, मैंने तो नहीं बोला, मैंने तुमको ही बोला था, और एक दो को एक नहीं, अभी 1 मंथ लगेगा। हाँ
वहाँ पे झोला है जिसमें एक नाइफ है और तो पूजा से फाइनली मैं आ गई हूँ और बहुत अच्छे से सोसाइटी में जो है हमारे गणपति जी का पूजा हुआ है, बहुत बहुत अच्छा लगा। और अब तो 7 दिन रहने वाले हैं तो रोज़ ही हम लोग जाने वाले हैं, सुबह भी और शाम भी, तो बहुत ही अच्छा हुआ, पूजा भी बहुत अच्छे से हो गया। अभी मैंने थोड़ा देर रेस्ट किया और अब मैं निकल रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर और मीनाक्षी के घर, क्योंकि वो मुझे इन्वाइट किए हैं अपने पूजा पर, क्योंकि वो लोग स्थापित करते हैं घर में गणपति जी हर साल। तो अभी हम लोग जल्दी से जो है रेडी हुए हैं, रेडी क्या मतलब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब निकल रहे हैं। और हियू जो है अपना ड्रेस चेंज कर चुकी है, हियू और आंटी जी हमारी जा रही हैं। बाय बाय बोल दो आंटी। बाय 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 बाय। चलो हाँ, कल से वैसे भी आंटी ये स्कूल जाएगी, इसको स्कूल भेजेंगे कल से। मैम को बोल दिए हैं कि हाथ का देखने के लिए, क्योंकि एक मंथ में निकलेगा ना इसका, तो एक मंथ थोड़ी घर पे बैठा के रखेंगे इसको। 20 डेज नहीं, 20 हाँ 22 डेज है। ठीक है चलो, डैडा को बोलो जल्दी चलने के लिए। चलो आंटी ये देखो कैसा लग रहा है। अच्छा ये वो अच्छा लग रहा है, वहाँ पे छोड़ दिया। हाँ अच्छा लग रहा है ना। डैडा को बोलो चलने जल्दी। ले लिए लैपटॉप, ले लो ले लो, आज तुम्हारे साथ पीछे ही बैठूंगे। ओके चलो बैठो बैठो बैठो। ठीक है चले। This is 95 Mirchi, main hoon RJ Kish and I just asked you a question and I have Harish on call with me right now. Hi Harish. Hi Kish, how are you? I'm good. तो मैं अपने फ्रेंड के घर पहुंच चुकी हूं और यहां पे पूजा भी हो चुका है और पूजा यहीं कहीं होगी, देखते हैं कहां है। तो ये मिल गई मुझे पूजा, पूजा घूम रही है और मैं इसको परेशान की हुई, मुझे खाना खिला दो। खिला दो, भूख लगा है। देख रही हो तुम अपनी मम्मा को? खिला ही दो। क्या करूँ, आज ही तो खिलाना ही पड़ेगा। खिलाना पड़ेगा तो नहीं है। सही बात है, खिला ही दो। बहुत अच्छे से की हो तुम गणेश पूजा फिर से इस बार, पिछले बार जब आए थे याद है तो बहुत अच्छे से, उस बार तो बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी की थी, इस बार थोड़ा सा कंजूसी कर दिया डेकोरेशन करने में, बिजी होने के कारण है ना, तबीयत थोड़ा कम। हाँ इसलिए सूट भी पहने, लास्ट टाइम दोनों पिंक पिंक। हाँ हाँ साड़ी पहने थे। ठीक है तो अभी हाँ अब बहुत तेज भूख लगी, इसको बोल रहे हैं खाना खिला दो। बस बस खिला रही हो? खिलाना। चलो खिला ही दो तुम, बहुत अच्छी लग रही हो। और ये अच्छा लग रहा है, पोला पोला अच्छा लग रहा है। पोला पोला नहीं समझ रही, पहनी हो बट समझ में नहीं आ रहा है, ये पोला है। बैंगल्स भी पहने। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मेरा वाला पहन के देखो पहले कैसा आया, पहन के दिखाओ ना। मुझे कंफ्यूजन था कि साइज का।
लूज है, सुंदर है थोड़ा सा लेकिन ऐसा भी गिरेगा तो नहीं ना। अच्छा लगा, थैंक यू। चलो आप जल्दी खिला दो, भूख लगा है। गिर गई ना, ये लो उसमें एक पनीर डाल दूं? नहीं क्या खाती हूं उसमें खाऊंगी। तो फिर अच्छा तो प्लेट क्यों चाहिए? प्लेट क्यों चाहिए? खाओ ना मुझे। अरे उस कटोरी में चाहिए। अच्छा बस बस नहीं दो। देख खाना खा के जा रही है। हाँ खाना मिला है अभी अभी जस्ट। नहीं तो बोलेगी कि बिना खाना खाए हुए गए। नहीं नहीं खाना खा रही हूँ मैं, अब बता दूँ। मैं खुद से खा रही हूँ। अच्छा अच्छा तभी अभी सबकी बात चल रही है। और क्या चल रहा है? 150 के पेट्रोल भरे लिए तो 50 रुपया कैश बैक दे छिन मौसी। यस ओहो जान रिकॉर्डिंग बिल दिखा दे, रखा दे इसके अंदर, वो स्कैन करके दे छिन सर। देखो कितनी क्यूट सी बेबी है मेरी पास। दिखाओ ये आज मेरे घर आई। ठीक है अब चलो मौसी को बोल दो फिर बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं बेबी, बाद में मिलते हैं। बैटरी आने का घर में चार्ज, बैटरी में क्या करते हैं।